चलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट, कचौड़ी सब्जी, उड़द दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी, आलू की कसूरी मेथी और हींग वाली सब्जी। अभी इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे। आटे में क्या करेंगे, उड़द दाल को पहले पीस लेंगे हम लोग, उसमें उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के उसको आटे में मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक सब डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट आटा बना लेंगे। फिर उसके बाद में आटा को एकदम बहुत बढ़िया सा बनाना है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट रहे और उसमें दाल भी ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगी, गीला हो जाए, नहीं तो फिर बेलने में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा हार्ड ही रहे आटा। अभी हम लोग तेल डालेंगे कढ़ाई में, और कढ़ाई जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो उसमें पूड़ियाँ बना बना के कचौड़ियाँ छान लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ऐसा टेस्टी कचौड़ी बनती है, देखिए इस तरह से ऐसे। और अभी फिर सब्जी बनाने के लिए हम लोग ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे इसमें, क्यूमिन सीड्स थोड़ा सा डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा दो मिर्ची का इसमें तड़का दिए हुए हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिए, पहले ही डाल देंगे सब। फिर आलू डालेंगे, आलू के बाद में फिर हम लोग ऊपर से नमक डालेंगे, नमक डाल के थोड़ा सा चलाएंगे, चला के फिर इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के बस इसको कुकर को बंद नहीं करना है, बस ढक के पकाना है, थोड़ा देरी कुक करेंगे, फिर उसके बाद में इसको एक बर्तन में पलट लेंगे और आप आराम से अभी आप कचौड़ी के साथ सब्जी को खाइए, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है और अच्छा।